हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश। स्वागत है आपका बॉक्स और रेसलिंग में। सो भाई, मस्त वाला वॉर गेम मैच सेट हो गया आज। इसके अलावा कॉडी रोड्स ने अटैक कर दिया भाई ब्लड लाइन के ऊपर। सो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग द डैमेज कंट्रोल करती हैं। बेलियां बोलती हैं, देखो भाई, हम भाई पहले ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, पहले ज्यादा डोमिनेटिंग टीम हमारी बन चुकी है और ये सब हुआ है मेरी वजह से। पूरा क्रेडिट भाई इस चीज का बेली ले लेती है। डेकोटा काई बोलती है, भाई तुमने तो कुछ नहीं किया इसके लिए। जिसमें बेली बाहर WWE ऑडियंस में किसी किड्स को भाई चिल्लाने लगती है, मतलब ये इग्नोर कर रही थी डेकोटा काई को। फिर यहाँ हम देखते हैं आश्का ऑफिशियली ज्वाइन कर लेती है द डैमेज कंट्रोल को। सडन यहाँ शार्लेट फेयरबैंक का प्लेयर और शॉर्ट जी आ जाती है, अटैक कर देती है इन सब के ऊपर। बट बेली की टीम में 5 लोग थे, इसलिए भाई उल्टा इन्हीं सब लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है। ये सब भाई शार्लेट फेयर को और शॉर्ट जी को रिंग के बाहर फेंक देती है। ये सब भाई बस वॉर गेम मैच सेट करने के लिए हो रहा था। तो आज पूरे शो में शार्लेट फेयर को 2 टीम मेंबर्स खोजना था जो वॉर गेम मैच में भाई लड़े अगेंस्ट द डैमेज कंट्रोल। नेक्स्ट ट्रिपल डे टैग टीम मैच होता है, द ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस प्रीटी डेडली वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। विनर टीम को अपॉर्चुनिटी मिलती फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। मैच जैसे स्टार्ट होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स भाई कंटिन्यू मारते हैं, यहाँ पर ड्रॉप किक्स लगाते हैं, किक्स लगाते हैं, बट फिर बोरिंग ब्रूट्स भी मारते हैं। रिच हॉलैंड भाई सुप्लेक्स लगाते हैं, एक टाइम पर रोप पे भाई 10 बीट्स मूव भी लगाते हैं दोनों मिलके, यहाँ तक कि रिंग साइड पे बूज भाई सबके ऊपर जंप भी लगा देते हैं, बड़ा मस्त था ये। फिर अगर मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो स्ट्रीट प्रॉफिट रिच हॉलैंड के ऊपर भाई अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस वो फेस करेंगे द जजमेंट डे को फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट एक्सियन वर्सेस ड्रैगन ली का मैच होता है। स्टार्ट में गजब का ड्रॉप किक्स भाई ड्रैगन ली लगाते हैं इनके ऊपर, रिंग साइड पर जंप लगाते हैं, यहाँ तक कि भाई टॉप रोप से बैक फ्लिप भी लगा देते हैं रिंग साइड पर। देन फिर एक्सियन भी भाई मस्त मूव लगाते हैं, टॉप रोप से बैक फ्लिप लगाते हैं ड्रैगन ली को लेके, जो भाई गजब का मुझे एकदम स्पॉट लगा था, एकदम फेस पे वो गिरे थे रिंग में। सुप्लेक्स भी लगाते हैं, पिन भी होता है, बट ड्रैगन ली इस पे किक आउट कर देते हैं। इनमें ड्रैगन ली फिर अपना फिनिशर लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। दोनों फिर भाई हैंडशेक भी करते हैं, तो ये चीज देखने में काफी ज्यादा मस्त लगा था। नेक्स्ट सैंटोस को बाहर आते हैं और वो आज रीजन बताते हैं कि क्यों आखिर उन्होंने अटैक कर दिया था रे मिस्टीरियो के ऊपर लास्ट वीक। वो बोलते हैं, तुम्हें कभी भी अपने चाइल्डहुड हीरो से नहीं मिलना चाहिए, मैंने भाई रे मिस्टीरियो को एज अ फादर फिगर माना, बट देखो उसने क्या किया, उसने कार्लिटो जैसे पर्सन को, एक आउटसाइडर पर्सन को चूज किया ओवर मी। सैंटोस एस्कोबार ये भी बोलते हैं कि रे मिस्टीरियो को लग रहा हो कि आज मैं सॉरी बोलूंगा, हाँ मैं सॉरी बोलूंगा कि मैंने भाई बहुत ही कम अटैक्स किया तुम्हारे ऊपर, मुझे और करना चाहिए था। फिर ज़ेलिना वेगा आती है और भाई सैंटोस एस्कोबार के ऊपर एक स्लैप लगा देती है। LWO के अदर मेंबर भी आते हैं, सैंटोस एस्कोबार उन लोगों को बोलते हैं, भाई तुम रे मिस्टीरियो ऐसे पर्सन का साथ दे रहे हो, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, तुम लोग को भाई मैंने बनाया, तुम लोग मेरी वजह से एग्जिस्ट कर रहे हो यहाँ पर, वरना भाई तुम कुछ भी नहीं होते। इसके बाद फिर LWO की टीम भी आती है और भाई इनको समझाने का कोशिश करती है, बट सैंटोस एस्कोबार इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट कार्लिटो आगे सेव कर लेते हैं इन दोनों को। नेक्स्ट ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरॉन ग्रीम्स का मैच होता है और ये मैच भाई काफी द शॉर्ट था। ऑस्टिन थ्योरी की हेल्प से ग्रेसन वॉलर अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। नेक्स्ट सोलो सिकोआ पॉल हेमन जिमी उसे सब आते हैं। पॉल हेमन पहले कमाल का भाई इंट्रोडक्शन देते हैं सोलो सिकोआ को, बोलते हैं आज भाई एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है फॉर द विनर ऑफ द मैच एट क्राउन जूल, जिसने भाई मल्टीपल समॉन स्पाइक लगाया था और वो है सोलो सिकोआ। पॉल हेमन बोलते हैं आज एक बिग नाइट है और वो ऐसा शो करते हैं कि जॉन सीना आने वाले हैं, बट पॉल हेमन फिर ये भी बोलते हैं कि जॉन सीना आज भाई तुम्हें शो पे नहीं देखने के लिए मिलने वाला और वो भाई कभी भी WWE के शो पे रिंग में तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है थैंक्स टू सोलो सिकोआ। वो यहाँ ये भी बोलते हैं, सीना तुमको भाई सब गुड बाय नहीं बोल पाए, बट रोमन रेंस के साइड से, जिमी उसो के साइड से, सोलो सिकोआ के साइड से हम भाई तुमको गुड बाय करते हैं जॉन सीना। पॉल हेमन ये भी बोलते हैं कि अगर कभी भी जॉन सीना भाई वापस आए तो उनका टारगेट भाई सोलो सिकोआ होना चाहिए। बोलते हैं भाई वो हॉलीवुड में भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल चल गया है सोलो सिकोआ की वजह से। तब यहाँ एले नाइट आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सब भाई एक चीज के बारे में बात नहीं करो कि आखिर रियल रीजन क्या है, रोमन इज स्टिल चैंपियन अभी तक बिकॉज ऑफ द ब्लड लाइन और ये भाई एक बिग प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो भाई मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ जिसका नाम है एले नाइट। एले नाइट यहाँ अगेन मेंशन करते हैं कि वो रोमन रेंस का पीछा नहीं छोड़ने वाले जब तक भाई उनको चैंपियनशिप ना मिल जाए। डाउन द लाइन यहाँ जिमी उसो वर्सेस एले नाइट का मैच होता है। एले नाइट भाई स्टार्ट में ही सुप्लेक्स लगा देते हैं, रिंग साइड पर मारते हैं, फिर जिमी उसो के साइड से भाई हमें एक समॉन ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, फिर एले नाइट भाई कमेंट्री टेबल मारते हैं जिमी उसो को, फिर एले नाइट एक टाइम पर भाई DDT लगाते हैं और BFT मूव लगा के जिमी उसो को यहाँ हरा देते हैं, बट तुरंत यहाँ सोलो सिकोआ आ जाता है और वो अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, समॉन स्ट्राइक भी लगा देते हैं, फिर वो कमेंट्री टेबल मारने का सोचते हैं, बट भाई तब यहाँ कॉडी रोड्स आ जाते हैं और सोलो सिकोआ को पहले वो मारते हैं, फिर जिमी उसो को भाई स्टील स्टेप से मारते हैं, तो आज भाई सोलो सिकोआ से बच जाते हैं एले नाइट थैंक्स टू कॉडी रोड्स। नेक्स्ट शार्लेट फेयर बैंक का प्लेयर और सॉर्जी आती हैं। पूरे शो में ये सबको भाई अपने टीम मेंबर्स खोजना था और भाई जिनको भी ये खोजती हैं, जिनसे ही बात करती हैं, उनके ऊपर आके डैमेज कंट्रोल अटैक कर देती हैं बैक स्टेज, बट शार्लेट फेयर फिर भी बोलती हैं, हम भाई एक्सेप्ट कर दें तुम्हारा वॉर गेम मैच का चैलेंज,
तब यहाँ डैमेज कंट्रोल आ जाती है। बेली बोलती है, आज भाई हमने सब वुमेन्स को डाउन कर दिया जो भी भाई तुम्हें ज्वाइन करने वाली थी, और अब तुम तीनों भाई वॉर गेम्स में नहीं जा पाओगे। वो तो छोड़ो, तुम्हारे शॉप से भी नहीं जा पाओगे, हम तुम पे अटैक कर देंगे इतना। और ये सब भाई अटैक करने जाती हैं, तभी बैकेलिन आ जाती है और वो ज्वाइन कर लेती है चार्लेट फेयर को। ये सब भाई अटैक कर देते हैं डैमेज कंट्रोल के ऊपर। चार्लेट फेयर भाई टॉप रोप से जंप लगाती है इन सब के ऊपर, बैकेलिन भाई आस्का को मारती है और शो यहाँ खत्म हो जाता है, पूरा ब्रॉल होता रहता है। तो भाई काफी मस्त आज का ये शो लगा, मेन इवेंट तो आई थिंक काफी सही था। अभी भी स्टिल भाई वन मेंबर लेफ्ट है शार्लेट फेयर टीम का, तो देखते हैं उनको कौन ज्वाइन करता है। सो आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, कमेंट जरूर बताओ यार आपको पूरा शो कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, गुड बाय।